सुल्तानपुर मामले में आरोपी मंगेश यादव को लेकर सियासत गर्माई हुई है और मंगेश के पिता ने इसे लेकर पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस वाले जल्द से जल्द उनके बेटे का अंतिम संस्कार करने का दबाव डाल रहे थे। उनका कहना है कि पुलिस का इस मामले में उनके परिवार वालों से इतना सख्त रवैया था कि अगर अखिलेश यादव का फोन नहीं आया होता तो वो शायद अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाते। मंगेश यादव के पिता राकेश यादव ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच हो जाएगी तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि सच्चाई कितनी है, कितना गलत था हमारा लड़का, सब प्रूफ मिल जाएगा, मगर जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक मालूम नहीं चलेगा। मंगेश के पिता ने आगे कहा कि पुलिस वालों का रवैया बहुत सख्त था, हम अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाते। आज भी हमारे गांव, आसपास के लोग हमारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमारा लड़का गलत नहीं था, घर से गलत उठाया गया था, इसीलिए सब हमारे लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। सीबीआई जांच हो जाएगी तो सब पता चलेगा कि कौन चोर है और कौन क्या। वहीं इस मामले का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिससे पता चलता है कि पुलिस ने किस तरह परिवार पर जल्दी अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया था। इस वीडियो में कुछ लोग समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो भैया, हेलो, बिल्कुल मैं आती थी उधर थोड़ा चलिए, उधर नेटवर्क जल्दी चलिए, जल्दी छटका आराम से, आप 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 आराम से, पता नहीं सर, बता रहे हैं भैया, जो है इनको जो है 28 तारीख को ये घटना हुई है और ये 28 तारीख की सुबह में जो है अपने जो है बहन के एडमिशन के लिए फीस जमा करने के लिए उसको विद्यालय लग गया जिस समय पे ये घटना हुई है, यहीं जौनपुर में। कहाँ पे? अच्छा, जौनपुर विद्यालय में गया था जी भैया। और उसके बाद भैया 3-4 दिन पहले सोमवार को जो है पुलिस वाले रात को आते हैं शादी वर्दी में और उठा के इसको लेके जाते हैं, बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ देंगे और सुबह घटना होती है उसको मार दिया फेक एनकाउंटर में। कब उठा ले गए थे इसको? सोमवार को भैया, 2 बजे रात को उठा गए। अच्छा, सोमवार को उठा ले गए जी भैया। और ये क्या कहते हैं, गोली सटाके मारी, क्या किया इन्होंने भैया? ये तो पता नहीं चला लेकिन सटाके ही जैसे लग रहा हमारा है, चेहरा बहुत बेभस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेभस चेहरा है, बुरी तरीके से मार रखा। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून पीएससी एंड बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रीमेशन कराना चाहते हैं। मंगेश यादव के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे को 2 दिन पहले ही पुलिस पूछताछ के बहाने ले गई थी और फिर 5 सितंबर को बताया गया कि उसका एनकाउंटर हो गया। परिवार का कहना है कि जब पुलिस उसे घर से ले गई तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि उसे कहीं और से पकड़ा था। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस पर मंगेश की जाति देखकर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीड़ित परिवार से भी फोन पर बातचीत की और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि गुंडे और माफिया एक एक कर यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुपका हो रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।